तो भैया भारत के कोने कोने में BSNL का नाम गुजने लगा है, लोग अपने सिम कार्ड को BSNL पर पोर्ट करा रहे हैं, तो काफी सारे लोग BSNL का नया सिम भी खरीद रहे हैं। जब से जियो आरिया एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स की प्राइस बढ़ाई है उसके बाद से BSNL भारत में एकदम से ट्रेंड करने लग गया है और सभी तरफ BSNL गुज रहा है। तो आज हम करेंगे BSNL का इंटरनेट स्पीड टेस्ट। हमने फाइनली BSNL का सिम ले लिया है, बाय कर लिया है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जिस जगह पर रहता हूं उस जगह पर BSNL का जो इंटरनेट स्पीड है वो कैसी है, कितने परसेंट नेटवर्क आता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रहा होगा, तो यहां पर मैं चलता हूं सेटिंग पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे फोन पर लगा है BSNL का सिम। यहाँ पर हम चलते हैं मोबाइल नेटवर्क पर और यहाँ पर सिम 2 पर चलते हैं, और जो सिम 2 है वो देख सकते हैं ऑपरेटर लिखा है BSNL मोबाइल, ये देख सकते हैं BSNL मोबाइल, मतलब BSNL का सिम हमारे फोन पर लगा है। और मेरा जो फोन है वो एक 5G फोन है, ठीक है, लेकिन अभी BSNL का यहाँ पर 3G ही चल रहा है, मतलब मैं जिस जगह पर है तो वहाँ पर BSNL का 4G भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ BSNL का 3G ही चलता है। ओके, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे स्पीड टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं इंटरनेट सेटिंग पर और यहाँ पर हम किसे करते हैं सिम 2 पर, यानी अब हम मोबाइल डाटा ऑन करेंगे तो BSNL पर ही ये ऑन होगा। तो हम करते हैं मोबाइल डाटा को ऑन, ये किया हमने ऑन, और ऑन होते ही देखते हैं यहाँ पर ER मतलब 2G चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब हमारे फ़ोन पर BSNL का पूरा नेटवर्क होगा, फुल नेटवर्क, तब यहाँ पर 3G चलेगा, और जब नेटवर्क का हाफ होगा तो यहाँ पर 2G चलेगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पर सिर्फ 4 पॉइंट नेटवर्क आ रहा है, BSNL का 4 पॉइंट नेटवर्क आ रहा है, मतलब पूरा नेटवर्क नहीं आ रहा इस जगह पर, ठीक है। फिर भी हम एक बार टेस्ट करेंगे, हम खोलते हैं क्रोम ब्राउजर, इसके बाद हम आउटडोर पर जाकर टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये किया स्पीड टेस्ट, रन स्पीड टेस्ट पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर 2G का क्या स्पीड मिलता है। ये BSNL की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे सेट फोन पर अभी BSNL का सिम लगा हुआ है, और देख सकते हैं सिम 2 पर ये भी इंटरनेट ऑन है, और भैया यहाँ पर ये स्पीड टेस्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि 2G का है, यहाँ पर डाटा बंद ही हो गया अपने आप। अरे फिर से एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं, शायद चालू हो जाए, ये चालू हो गया, रिट्राई करते हैं। मतलब BSNL के हाल में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अपने क्षेत्र में, मतलब ग्रामीण अंचल में, हालांकि मैं रहता हूँ वो एक सिटी ही है, वो कोई बहुत ऐसा ग्रामीण अंचल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 2G काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, और अभी मेरे फ़ोन पर 4 पॉइंट नेटवर्क दिखा रहा है, ठीक है। अब इसे हम कर देते हैं क्लोज, आपने देख लिया कि घर के अंदर पर अगर हम देखें स्टूडियो अंदर पर, तो यहाँ पर 4 पॉइंट नेटवर्क आ रहा है BSNL का, जो कि 2G इंटरनेट यहाँ पर चल रहा है। अब हम चलते हैं आउटडोर पर, क्योंकि आउटडोर पर मैंने टेस्ट किया था 3G प्रॉपर चलता है और अच्छा खासा स्पीड भी हमें मिल जाता है, अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए चलते हैं आउटडोर पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आउटडोर पर, और मैं अभी खड़ा हूँ एक ऐसे लोकेशन पर जहाँ पर BSNL का फुल नेटवर्क आता है, और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे फोन पर पूरा नेटवर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है BSNL का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाटा ऑन करता हूँ इस तरह से, मोबाइल डाटा मैंने ऑन किया, और यहाँ पर भी अभी 2G ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब देखना कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा और फिर से 3G पे ये स्विच कर जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं कुछ सेकंड, आप देखिए, और यहाँ पर फिर से मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, ये हमारे BSNL पर ही अभी चल रहा है, या सिम 2 की हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं BSNL आपको लिखा मिलेगा, और हमारा जो नेटवर्क है वो भी इंटरनेट जो है वो सिम 2 पर ही सिलेक्ट है, आप देख सकते हैं सिम 2, ठीक है। अब हम अपने फ़ोन को एक बार कर लेते हैं फ्लाइट मोड, ये कि हमने फ्लाइट मोड अभी से करते हैं ऑन, और अब वेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर फटाफट 3G नेटवर्क आ जाएगा, अब तक ये 2G चल रहा था लेकिन अभी 3G चलने लग जाएगा। वेट करते हैं कुछ सेकेंड, यहाँ पर इसे करते हैं क्लोज, और देख सकते हैं यहाँ पर 3G आ चुका है, फाइनली यहाँ पर 3G आ चुका है। H+ लिखा रहा है, जो E+ लिखा था वो 2G होता है, जो H+ लिखा था वो 3G होता है, ठीक है, देख सकते हैं H+। और यहाँ पर हमारे सारे मैसेज भी आने शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं सारे मैसेज हमारे आने शुरू हो गए हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिम 1 को ऑफ कर देता हूँ, जिससे आपको कोई भी शक ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी शक्की लोग होते हैं जो ये शक करते हैं कि दूसरे सिम पे कनेक्ट करके रखा है, तो हम पहले वाला सिम को यहाँ पर पूरा ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पहला सिम बंद हो चुका है, सिर्फ सेकेंड सिम यहाँ पर चल रहा है वो भी BSNL का, और यहाँ पर देख सकते हैं 332 KBPS स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है। चलो हम एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं, ये गए हम क्रोम ब्राउजर पर, और भैया यहाँ पर हम करते हैं स्पीड टेस्ट, ठीक है, ये किया हमने स्पीड टेस्ट, और आप देखना अच्छा खासा हमें स्पीड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं कुछ सेकंड, और यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड अभी आ रहा है, फिलहाल तो 0 दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मौसम यहाँ पर ख़राब है, और देखते हैं क्या स्पीड अभी आती है यहाँ पर, और ये समथिंग जा रहा है 43 45 0.43 जा रहा है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर टावर भी फुल नहीं आ रहा है। जब ये 2G पर था तो पूरा फुल इंटरनेट दिखा रहा था, फुल नेटवर्क दिखा रहा था, बट अभी यहाँ पर ये हाफ हो चुका है, देख सकते हैं। एक बार फिर से हम इसे रिट्राई करेंगे, चलो देख लेते हैं। और ऊपर आप टॉप में देख सकते हैं 135-120 की ये स्पीड दिखा रहा है। फिर एक बार रन अगेन करते हैं और आप देखिए यहाँ पर भैया स्पीड बढ़ के हो चुका है 3 Mbps का, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड। अरे 4 MB हो गया यार, सोचो 3G में, ठीक है, मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा टक्कर दे सकता है। अगर इसका 4G आ जाता है तो ज़बरदस्त टक्कर ये दे सकता है। यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आ चुकी है 4 MB का और अपलोडिंग स्पीड आ रही है 0.62, यानी अपलोड स्पीड यहाँ पर काफ़ी डाउन है। जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब आप देखिए ये फाइनल रिजल्ट है। मेरे फ़ोन पर सिर्फ 2 ही पॉइंट BSNL का नेटवर्क है, लेकिन 3G+ चल रहा है, 3G+ चल रहा है। एक बार फिर टेस्ट करते हैं, फिर एक बार टेस्ट किया हमने, अब यहाँ पर जाएगा ये 5 चला गया, देख सकते हैं, मतलब अच्छा खासा स्पीड पकड़ रहा है यार। तो भैया अब हम उम्मीद कर सकते हैं BSNL से, क्योंकि 3G पर जब इतना अच्छा स्पीड मिल रहा है तो जब इसका 4G 5G आ जाएगा तब तो प्रॉपर स्पीड मिल जाएगी। जबकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पर कहीं पर भी BSNL का टावर नहीं लगा है, बावजूद यहाँ पर इतना अच्छा नेटवर्क दिखा रहा है। स्पीड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त स्पीड भी यहाँ पर आ रही है डाउनलोडिंग की, और यहाँ पर सारे मैसेज वगैरह भी खुल रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर यूट्यूब आप ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ओपन किया हमने यूट्यूब। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ बस, मतलब आपको कोई भी शक ना हो। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं, ये हमने गया सर्च पर, सर्च कर टेस्ट किंग संदीप, और यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर लेते हैं, लेटेस्ट वीडियो हमारा, हमारा लेटेस्ट वीडियो है। चलो ओपन करते हैं अपने चैनल को। और यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे दबा करके इसे ऑल पे भी सेट कर लेना। ठीक है, हम चलते हैं वीडियोस पर और यहाँ पर एक वीडियो प्ले करते हैं, ये वाली। चलो हमने प्ले किया और देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में प्ले भी हो चुका है, ज़बरदस्त तरीके से। हम आडियो को यहाँ पर म्यूट कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, मतलब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो BSNL भी अच्छा टक्कर दे सकता है जियो, आइडिया, एयरटेल को, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट नेटवर्क में इतना अच्छा मतलब स्पीड हमें मिल जा रही है। मैं फिर एक बार आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिम चल रहा है जो कि है BSNL का, आप देख सकते हैं, ये रहा BSNL ऑपरेटर, नीचे सबसे आपको मिल जाएगा। और एक सिम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया है, और BSNL भी आपको इतना अच्छा स्पीड में जो कि 3G की स्पीड है। तो इस टेस्ट को करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि अगर आप घर के अंदर रहते हैं, स्टूडियो के अंदर रहते हैं, तो आपको BSNL का प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉपर नेटवर्क मिल जाएगा तो आपको 3G 4G की स्पीड नहीं मिल पाएगा, आपको 2G पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउटडोर पर जाते हैं तो आपको प्रॉपर 3G+ की स्पीड मिल जाएगी, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड यहाँ पर मिल रही है। जबकि आप टॉप में देखिए, यहाँ पर सबसे टॉप में सिर्फ 2 ही पॉइंट नेटवर्क दिखा रहे हैं BSNL का, बावजूद यहाँ पर इतना अच्छी स्पीड मेंटेन करना ये आम बात नहीं है यार, देख सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड यहाँ पर दे रहा है, जो कि 2 पॉइंट नेटवर्क है बस। ये देख सकते हैं आप, ये गया 2.60, मतलब ये समथिंग आपको 2 के+ ही देगा, 2 MB 3 MB की प्लस ही देगा, उससे नीचे नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड आ रही है 1 पॉइंट, मतलब ये कम ज़्यादा होते ही रहता है। मैंने आपको 3 बार टेस्ट करके दिखा दिया, इतने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया BSNL कितना बेहतर बीट कर सकता है जियो, आइडिया, एयरटेल को, ये आप देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके मन में कुछ सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर देना, इंस्टाग्राम आईडी Sandeep Patel 72, वहाँ पर मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, तो आप वो चाहे तो मुझे DM कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे बता देना। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर यही करते हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।